नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ, ये देखिए फ्रेंच बीन्स, ये देख सकते हैं आप, ये फ्रेंच बीन्स है और इसे हम आज सब्जी बनाएंगे। तो इसके साथ हम दो बैगन लिए हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए दो मीडियम साइज का बैगन है, चार टमाटर ले लिए हैं और 250 ग्राम पालक ले लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बीन्स कैसा दिख रहा है, ये इसे हम बकला कहते हैं गांव में, लेकिन ये फ्रेंच बीन है। तो इसे हम आज सब्जी बनाएंगे, तो इसे कैसे बनाएंगे हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये जो हमारा बीन है इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे, इस तरह से इसका रेशा निकाल लेंगे, हम चाकू की मदद से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, ये देखिए, और हम इसे टोकरी में रखते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे बीन को साफ कर लेंगे, इसके अंदर से जो रेशा निकलता है इसे हम अलग रख देंगे। और ये देखिए, इस तरह से हम इस बीन्स को साफ कर लेंगे हाथों की मदद से या चाकू की मदद से। ये देखिए दोस्तों, हम सारा फली को साफ कर लिए इस तरह से, आप देख सकते हैं। और ये हमारा इतना वेस्ट निकला है इसके अंदर का रेशा, इसे हम नहीं डालेंगे। और ये देखिए हम किस तरह से साफ किए हैं, आप भी इसी तरह से कीजिए। और हम बैगन भी काट लिए हैं दोस्तों, 250 ग्राम बैगन है हमारा, 250 ग्राम ये फली है और 250 ग्राम हमारा पालक है। अब चल फिर मसाले में देख लेते हैं दोस्तों, मैं किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो मसाले में हम ले लिए एक गांठ लहसुन, तीन चार हरा मिर्च, एक चम्मच जीरा साबुत, एक चम्मच सरसों साबुत, एक चम्मच धनिया साबुत। ऐसे हमें पेस्ट बनाना है और हमें चाहिए एक चम्मच हल्दी पाउडर और हमें सब्जी बनाने के लिए तेल चाहिए चार बड़े चम्मच, एक छोटा चम्मच हमें मेथी दाना चाहिए तड़के के लिए। अब सब्जियों को हम सारा धो लिए दोस्तों, तो गैस ऑन कर लेंगे हम, ये देखिए, और हम गैस पर कढ़ाई को चढ़ा देंगे और इसमें हम डालेंगे अब सब्जियों को। तो इसमें हम पालक डाल लेते हैं, ये देखिए 250 ग्राम हमारा पालक था, धुल लिए हम अच्छे तरह से चार पांच पानी। और इसमें हम बैगन डाल देंगे, ये भी धुल लिए हम अच्छे से। और इसमें हम डाल देंगे ये फली, बीन्स फली डाल देंगे और इसे हम बॉयल करेंगे। ये देखिए मैं सारा डाल ले रही हूँ। अब इसमें हम पानी डाल देंगे एक चौथाई गिलास, ये देखिए मैं थोड़ा सा डाल ले रही हूँ। और इसे हम पांच मिनट के लिए ढक के बॉयल करेंगे। जब तक दोस्तों हमारा सब्जी बॉयल हो रहा है, तब तक हम मसालों को पीस लेते हैं ग्राइंडर से। ये देखिए हम लहसुन, मिर्च, जीरा, धनिया, सरसों सबको पेस्ट बना लेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे दो तीन चम्मच, ये देखिए, और इसे हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम मसाला को बारीक कर लिए, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल बारीक कर ली हूँ मसाला को। और ढक्कन को हम सावधानी से उठाएंगे यहाँ पे और एक बार सब्जी को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं मिक्स कर ले रही हूँ और फिर से ढक देंगे हम दो मिनट के लिए। यहाँ पे सावधानी से ढक्कन को हटाएंगे हम और एक बार मिक्स करके देख लेंगे सब्जी हमारा बॉयल हुआ है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों हमारा सब्जी बॉयल हो चुका है, तो हम गैस ऑफ कर दे रहे हैं और सब्जी को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, पानी इसका फेंकना नहीं, हमें निकाल लेना है बड़े बर्तन में। ये देखिए दोस्तों, मैं फिर से दोबारा गैस ऑन कर रही हूँ और वही कढ़ाई का यूज करूंगी मैं। तो कढ़ाई को चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है दोस्तों, इसमें हम तेल डाल लेंगे चार बड़े चम्मच। ये देखिए मैं डाल ली यहाँ पे तेल और हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम मेथी दाना डाल देंगे। ये देखिए इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, मेथी दाना हमारा फ्राई हो गया है। तो इसमें हम ये पीसा हुआ जो पेस्ट बना के रखे थे वो आराम आराम से डालेंगे और मसालों को मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब हम हल्दी पाउडर डाल लेंगे, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मिर्च डाल लें, ध्यान रहे हम मिर्ची हरा भी डाले हैं इसमें चार, और मसालों को मिक्स कर लें। और मसालों को दो तीन मिनट तक भून लें चलाते हुए। देखिए मसाला को हम दो तीन मिनट भून लिए हैं, इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे अब,
और मिक्स कर लेना और मसालों को 2 मिनट के लिए ढक के पकाएं ताकि हमारा टमाटर गल जाए। और यहाँ पर ढक्कन को हम सावधानी से उठाएंगे, ये देखिए, और हम टमाटर और मसालों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा टमाटर गल चुका है तो इसमें अब हम ये जो फली हम उबाल के रखे हैं ये डाल लेंगे पानी के साथ, जो इसका पानी था हमें फेंकना नहीं है दोस्तों, इसे भी डाल लेना है हमें। ये देखिए मैं डाल ले रही हूँ और इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए और मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट तक मसालों के साथ सब्जियों को भून लेंगे। और इसमें हम अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे देखेंगे हम दोस्तों कि सब्जी हमारा भुन गया है, देखिए बहुत ही अच्छा सब्जी भुन गया है। तो इसमें हम आधी गिलास पानी डाल लेंगे, ज्यादा नहीं डाला पानी, ये देखिए मैं आधी गिलास पानी डाल ले रही हूँ। और इसे हम 5 मिनट तक, अब इसमें उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। ये फली दोस्तों सर्दियों के सीजन में ही मिलता है, गर्मी के सीजन में नहीं मिलता है, तो इसे बना के घर में खाना चाहिए क्योंकि ये सीजनली सब्जी है, तो इसे घर में बना के खाना चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें इसे। और इसे ढक के पकाएं ताकि हमारा जो फली है बिल्कुल अच्छा से सॉफ्ट हो जाए और स्वादिष्ट बने। और यहाँ पे हम ढक्कन को सावधानी से उठाएंगे, ये देखिए, और सब्जी हमारा बन के रेडी है। तो गैस ऑफ कर देते हैं हम और इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, तो देखे दोस्तों हमारा सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और अगर आपको हमारी ये फली के सब्जी के रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें क्योंकि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सेहतमंद ये सब्जी है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।